सारा वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज संडे एंड संडे को भी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया विच इज एन ऑमलेट विद टू ब्राउनब्रेड्स। और अगर आप ये मील लेते हैं अपने डाइट में और इससे और थोड़ा और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप एक स्लाइस चीज़ ऐड कर सकते हैं इसमें। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देता है आपके मील को और क्रीमी भी हो जाता है इससे, एंड ये थोड़ी और कैलोरीज भी ऐड कर देगा जिससे आपको गेनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो आप लोग भी इसे ट्राई करना और देखना कैसा लगता है आपको। अभी मेरे शोल्डर इंजरी को हुए 1.5 महीने हो चुके हैं एंड ये ऑलमोस्ट हील हो चुका है और अभी मैं एक काफ़ी अच्छे फॉर्म के साथ और एक अच्छे वेट के साथ एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना आज मैं चेस्ट ट्रेन करूँ। फुल चेस्ट वर्कआउट नहीं करूँगा, आज मैं अपना 1 rep max टेस्ट करूँगा बेंच प्रेस पे। इंजरी के बाद बहुत मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था हैवी वेट को लेके, बट अभी सब सही है, अभी सब फॉर्म में है। और अभी रिसेंटली मैंने 90 kg हिट किया था तो अभी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं 100 kg भी कर लूँगा। देखते हैं, अगर सही रहा तो 105 भी टेस्ट करूँगा। अब वो डिपेंड करता है मेरा 100 kg कैसा जाता है, तो वो अब जिम में देखेंगे। सो आई एम रेडी टू गो एंड मिलते हैं फिर जिम में। सो गाइस आई एम इन द जिम और आज क्योंकि मैं चेस्ट कर रहा हूँ तो मैंने अपना थोड़ा वार्म अप कर लिया है और हियर आई एम वेयरिंग रिस्ट सपोर्टर्स। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन बहुत लोग इसे ऐसे पहनते जो कि बहुत गलत है। जैसे मैंने ऐसे पहना है, इसमें मेरा रिस्ट इजली मूवेबल है, मूवेबल नहीं होना चाहिए। तो इसे जो लोग पहनते हैं ये लोग थोड़ा ऊपर पहनना चाहिए। आई एम शोइंग यू, अब देखो रिस्ट एकदम मूवेबल नहीं है। रिस्ट सपोर्टर इसीलिए काम में आता है क्योंकि जब आप कुछ भी हैवी लिफ्ट करते हो तो आपको ये स्ट्रॉन्ग होल्ड देगा आपके रिस्ट को, ताकि कोई भी इंजरीज ना हो सके या ऐसे ना हो सके, ना ही ऐसे हो सके, फर्म ग्रिप रहेगा। और अभी मैं लाइट वेट या 60 kg से थोड़ा वार्म अप करूँगा ताकि मेरे चेस्ट को थोड़ा प्री एग्जॉशन मिल सके, फिर उसके बाद मैं अपने मेन वर्किंग सेट्स पे जाऊँगा। बहुत ही गंदी आदत हो गई है, मैं अपने रेप्स काउंट नहीं करता हूँ, मैं अपने फॉर्म पे ध्यान देता हूँ। और अभी मैंने चेक किया तो मैंने अराउंड 17-18 रेप्स मारे 60 kg के। नाउ आई एम गोइंग टू 90 kg, देखते कैसा होता। मैंने ट्राई किया था 90 kg, लेकिन एक होता है ना कॉन्फिडेंस आएगा 100 kg उठाने में, तो देखते हैं। That was easy, 7 reps of 90 kg, और अब 100 पे जाने का टाइम आ गया है और थोड़ी फट रही है कि कैसे होगा, क्योंकि मैंने 2 महीने पहले किया था, अभी बहुत टाइम हो गया है। देखते हैं हो जाएगा तो बहुत अच्छा फील होगा। My heart rages around like an ocean in my...
that was 100 kg, but it feels great, man, to wait up here again after 2 months. Feeling great, man. Abhi maine I think 3 or 4 rep lagaye hain. अब मुझे लगता है 105 भी जाना चाहिए, बट 105 मैं किसी एक सपोर्टर के साथ जाऊंगा जो ट्रेनर है यहाँ पे, क्योंकि रिस्क लेना सही नहीं है. 3 रेप इजी थे, मजा आ गया, मजा आ गया. ताकि 105 तक भी इजी रेप लगा पाऊँ ट्रेनिंग से और विदाउट सपोर्ट के. और मैं मैसेज देना चाहूँगा बिगनर्स को, अगर वो लोग आप PR हिट करना चाहते हो और थोड़ा हैवी वेट लगाना चाहते हो तो एक ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी, एक असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी. बिना उनके मत करो, क्योंकि अभी आप लोग को उतना ट्रेनिंग टाइम नहीं हुआ है. मैं अभी 2 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ. अगर आप लोग बिगनर हो और आप लोग थोड़ा हैवी जाना चाहते हो तो एक प्रॉपर असिस्टेंस के साथ जाओ और एक प्रॉपर ट्रेनर सबको, ताकि वो आपको एक सपोर्ट दे सके पीछे से. सो दैट वॉज ग्रेट PR हिटिंग डे. और अभी मैं घर जाके माय प्रोटीन का लिमिटेड एडिशन केवेंटर्स कॉफ़ी का ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना. सो गाइस, आई एम बैक फ्रॉम द जिम. और जैसा मैं जिम में कहा था कि मैं आज माय प्रोटीन का लिमिटेड एडिशन केवेंटर्स कॉफी फ्लेवर का एक रिव्यू दूंगा आप लोग को, बट उससे पहले मैं कुछ मिथ क्लियर करना चाहूँगा जो लोगों में है प्रोटीन सप्लीमेंट्स को लेके. सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट एक स्टेरॉयड होता है, या इसे किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, लिवर पे इफेक्ट पड़ता है. ब्रो, ऐसा कुछ नहीं होता है. ये सारी बातें मिथ होती हैं. प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को ज़रूरी होता है, भले आप एक नॉर्मल इंसान हो या आप वो इंसान हो जो एक्टिव रहता है और जिम जाता है. और जो जिम जाते हैं और जो एक्टिव रहते हैं उन्हें इन सब की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो जिम में जाके अपने मसल्स ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है. और वो प्रोटीन सप्लीमेंट हमारी मसल्स को रिपेयर करता है, क्योंकि इंडियन फूड में उतना प्रोटीन नहीं मिल पाता है हम लोग को, इसलिए हम लोग ये प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करते हैं. आप लोग बहुत लोग ने देखा होगा TV पे कि एक एथलीट जो है वो अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, और आप सोचते हो कि यार ये पी के तो ऐसी बॉडी बन जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. वो एथलीट ने ना जाने कितने और ज़्यादा सप्लीमेंट लिए होंगे उस बॉडी को अचीव करने के लिए. तो मेरा एंड कंक्लूजन यही है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर सेफ, ये कोई भी स्टेरॉयड नहीं होता है, ना ही ये आपकी लिवर या किडनी पे इफेक्ट करेगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रिव्यू. और रिव्यू देने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है. मैं माय प्रोटीन पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आप लोग को ये रिव्यू दे रहा हूँ. सो माय प्रोटीन के पे प्रोटीन में आपको बहुत सारे फ्लेवर्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, कुल्फ़ी फ्लेवर हो गया, कॉफ़ी फ्लेवर हो गया, ऐसे बहुत सारे फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे. बट उसमें से माय प्रोटीन ने एक लिमिटेड एडिशन निकाला है जो कि है केवेंटर्स कॉफ़ी फ्लेवर. पहले मैं इसके टेस्ट की बात करूँगा. टेस्ट मुझे उतना खास नहीं लगा इस केवेंटर्स कॉफ़ी फ्लेवर का, क्योंकि मैं टेस्ट पे ज़्यादा एम्फसाइज करता हूँ, और मुझे इस केवेंटर्स कॉफ़ी फ्लेवर का टेस्ट उतना पसंद नहीं आया. इसका नॉर्मल कॉफ़ी फ्लेवर इससे ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैं इस केवेंटर्स कॉफ़ी फ्लेवर को 5 में से 2 स्टार्स दूंगा. नाउ बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की. इसकी क्वांटिटी 1 kg है, और ये मुझे पड़ा था अराउंड 3000 का आफ्टर डिस्काउंट. और इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाती है. इसका 1 स्कूप होता है 25 grams का, और अगर आप एक महीने में 1 स्कूप ले रहे हो तो अराउंड 40 days तक चलेगा, और अगर आप 2 स्कूप्स लेते हो एक दिन में तो ये आप चलेगा 18 से 20 दिन तक. प्लस इसमें आपको प्रोटीन 90 ग्राम मिल जाता है, कार्ब्स 2.1 ग्राम मिलता है, एंड फैट भी कुछ 1.51 ग्राम मिल जाता है. नाउ बात करते हैं रिजल्ट्स की. माय प्रोटीन के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे रिजल्ट्स देते हैं. मैं माय प्रोटीन के प्रोडक्ट्स अराउंड 8 to 9 months से यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे काफ़ी चेंजेस और काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं अपनी बॉडी में. मैं ओवरऑल इसको 5 में से 4 स्टार्स दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं आया है.
और अगर जिनको केवेंटस कॉफ़ी का फ्लेवर पसंद है यू कैन गो फॉर इट, और जिनको नहीं पसंद है वो इसे स्किप कर सकते हैं और किसी दूसरे फ्लेवर पे जा सकते हैं। मैंने माय प्रोटीन का वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आप लोग चाहो तो वहाँ से बाय कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो शो योर सपोर्ट ऑन माई इंस्टाग्राम जहाँ पर मैं डेली कॉन्टेंट पोस्ट करते रहता हूँ। एंड आई विल मीट यू ऑल सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।